एक्साइज मिनिस्टर ने भी कहा है कि जितने भी अधिकारी है वहां पे सब पे कार्रवाई कर। भैया एक्साइज मिनिस्टर पर काहे नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी पर कार्रवाई होगा? इतना दिन से एक्साइज मिनिस्टर सो रहे थे, उनको पहले से पता नहीं था। ये एक्साइज मिनिस्टर वगैरह क्या बात करते हैं, तो सब खुद ही मिले हुए हैं ये लोग हैं। बिहार में किसको नहीं पता है कि चोरी हो रही है? एक्साइज मिनिस्टर क्या बात करते हैं, सब खाना पूर्ति करने वाले लोग हैं। जब मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह रहा है, मुख्यमंत्री के चार सलाहकार जो बैठ के राज्य चला रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब उससे पैसा कमा रहे हैं, क्या बोलेंगे ये लोग? सीसीए लागू करने की भी बात हो रही है। अरे भैया कुछ भी करें, 1 लाख से ज्यादा लोग शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद हैं। कौन है ये लोग? ये सब गरीब लोग हैं, समाज के वंचित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको आपने जेल में बंद रखा है। नीतीश कुमार के अगल बगल में बैठा हुआ हर आदमी शराब पी रहा है, नीतीश कुमार के पार्टी से जुड़ा आधा आदमी शराब का धंधे में लिप्त है, एक्साइज मिनिस्टर क्या करेगा? ये जितने भाजपा और नीतीश कुमार और ये आरजेडी के लीडर हैं, किस दल का नेता शराब के धंधे से नहीं जुड़ा है जरा बताइए तो मुझे, इनके बिना जानकारी के बिक रहा है। अभी राजद वाले सरकार में थे तो कह रहे थे शराबबंदी बड़ा अच्छा है, जब राजद वाले अलग हो गए तो कहते हैं जदयू वाले सब माफिया। भाई तीनों दलों में शराब से जुड़े हुए, शराब के कारोबार से जुड़े हुए नेता तीनों दलों में हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर ये लोग लूट रहे हैं, बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, एक्साइज मिनिस्टर क्या बोलेंगे? 2 तारीख को जब आपने पार्टी लॉन्चिंग किया था उस समय अभी आपने जिक्र किया था शराबबंदी। अरे भैया मैं 2 तारीख की बात छोड़िए, मैं जिस दिन से, अरे कोई नहीं विरोध कर रहा है, विरोध वो कर रहा है जो कि शराब के गलत धंधे से पैसा कमा रहा है, विरोध तो करेगा ही, उसके विरोध करने से हम थोड़ी डरते हैं। 2 तारीख की बात नहीं, हम पिछले 2.5 साल से मेरे हर एक बयान को उठाकर देख लीजिए, मैंने उसका पूरा आधार दिया है कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी देश में किसी राज्य किसी समाज में इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए समाज का भला हुआ हो, समाज का विकास हुआ हो। दूसरा बात लोग बताते हैं गांधी जी ने कहा, ऐसे ऐसे बेवकूफ हैं, मैं 100 दफे कह चुका हूं कि गांधी जी ने समाज शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया कि समाज को कोशिश करनी चाहिए कि लोग शराब से अलग रहें, शराब ना पिए, वो ठीक बात है। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दीजिए, अगर गांधी जी ने ये कहा होता तो 1947 में देश आजाद हुआ, गांधी जी मालिक मुखिया थे, उन्होंने लागू करा दिया होता कि शराबबंदी के लिए कानून बना दो। तो ये वो लोग हैं जो गांधी को ये क्या समझते हैं, गांधी को कितना बार पढ़े हैं, गांधी जी को पर 2 लाइन खड़ा होकर बोलना हो तो बोल नहीं सकते और कह रहे हैं गांधी जी ने कहा था। तो इसका कोई पॉलिसी का कोई प्रमाण दुनिया में नहीं है, इसका कोई मोरल आधार नहीं है। और सभी बात से अलग, भाई अगर शराबबंदी का कोई फायदा है भी तो फायदा तो तब होगा ना जब शराबबंदी लागू होगी। बिहार में शराबबंदी लागू है कहां? बिहार में शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद हुई, सरकार को रेवेन्यू मिलना बंद हुआ, सरकार शराब का कारोबार करने वाले लोगों पर जो रेगुलेशन होना चाहिए वो खत्म हो गया, घर घर शराब माफिया और अधिकारियों की मदद से शराब बिकने लगी। तो आप ये बताइए किसी एक गांव में एक जगह शराब बिके, रेगुलेटेड बिके, जांच सरकार के नियंत्रण में बिके वो अच्छा है कि घर घर में जहरीली शराब बिके, गलत शराब बिके वो अच्छा है? हम लोग बिल्कुल इसके पक्ष में कि शराबबंदी हटनी चाहिए।